deliver my lecture first time in this August gathering. So, this transition program, this transition workshop for medical practitioners here in the HIV on HIV AIDS, care supported treatment. I have to mention some points that AIDS program was started with HIV counseling and testing services since 2001 in this medical college hospital. And ART center was started in SKMCH in 2006 on 13th July. And recently, our nodal officer is Mumtaz Sahib, is taking care of it. Total number of registered patients till now is 15,739, while total number of patients alive on ART is 4,296. The new enrollment of patients is about 2 to 3 per day, and follow up for per day is about 75 to 125. We are doing about 25 to 30 CD4 टेस्ट पर डे। नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज 20 चीफ रिपोर्टर। सर, अभी इस जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के संबंध में मैं जानना चाह रहा हूं, आप अपने परिचय के साथ जरा बताएं कि कौन सा चीज का ये आयोजन सेमिनार कक्ष में हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर एनके गुप्ता है, मैं एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी हूँ। आज की यह बैठक एआरटी केंद्र में जो एचआईवी से संबंधित मरीजों हैं उनके इलाज के लिए बात हो रही थी कि एचआईवी के मरीज का इलाज एआरटी केंद्र में तो हो ही रहा है, लेकिन जो प्राइवेट में डॉक्टर साहब लोग इलाज कर रहे हैं उनको भी हमारे सरकारी नेटवर्क में आए और उनको उनका जो अगर इलाज करें उसकी सूचना हम लोग को मिले, इसीलिए सभी शहर के प्राइवेट चिकित्सक को भी बुलाया गया है ताकि जो अंडर रिपोर्टिंग नील रिपोर्टिंग हो रही है जिनका हमारे नेटवर्क में उनका रिपोर्टिंग नहीं हो रहा वो भी हमारे नेटवर्क में आवे, और जो भी सरकार की सुविधा है जैसे एड्स पीड़ित शताब्दी कल्याण योजना है जिसमें हर PLHIV को 1500 रुपया मिलता है, PLHIV के बच्चे को 1000 रुपया मिलता है परवरिश योजना के तहत, उससे उनको लिंक किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी सिस्टम में नाकों के गाइडलाइन के तहत अगर हो तो हम उस डॉक्टर साहब को बता दें कि नाकों का जो गाइडलाइन है जिसके तहत किस मरीज को किस तरह से इलाज किया जाना है, क्योंकि चूंकि एचआईवी का इलाज जीवन भर करना है तो उसको हर 6-6 महीने पर जांच होनी चाहिए। इन सब चीजों से प्राइवेट चिकित्सक को भी अवेयर कराया जाए और ताकि जो हमारा जो एड्स से मुक्त करने का जो लक्ष्य है उसको पूरा हो। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।